कैश प्राइज भी रखा हुआ है, कुछ 10,000 रखा हुआ अरे है। रील स्टूडेंट्स को दिखाएगी तो बड़ा प्राउड मोमेंट था, और मैं नहीं जा पाया तो प्रभ को अवार्ड मिला, प्रभ गई स्टेज पे। रिफंड में हमारे गले में पड़ गए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नई वीडियो नए ब्लॉग में। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है और आज का लास्ट दिन है, मतलब कि फंक्शन का, तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक है। और आज ना मेरे को भी एक प्राइज़ मिलने वाला है, मेरे को पता लगा है, कल मेल आई थी। तो यहाँ पे एक रील कॉम्पिटिशन हुआ था दिवाली वाले दिन, कि उसमें कुछ टॉपिक था अपना अपना घर, और बाई चांस हमारा नया नया घर था, तो वो अपने घर की दिवाली इसका टॉपिक था। तो वो बहुत ही ज़्यादा रिलेटेबल हो गया कि अपने घर की दिवाली, अपने घर में दिवाली मनाने वाला हूँ मैं। तो बहुत प्यारा रहा वो वीडियो, मैंने बना के डाली भी थी, तो उसको अच्छा रिस्पांस भी आया, तो उसकी वजह से मेरे को फर्स्ट प्राइज़ मिला। इसमें हम टीचर्स भी पार्टिसिपेट कर सकते थे बच्चों के साथ साथ, मैं प्राइज़ तो मिल गए, कैश प्राइज़ भी रखा हुआ है, कुछ 10,000 रखा हुआ है फर्स्ट प्राइज़ का। तो मैं क्लियरली आपको बता रहा हूँ प्राइज़ भी, और एक फ़ोटो का भी था, उसमें मेरे को मिला है थर्ड प्राइज़। तो मेरे को थर्ड उसमें मिला है, तो 2,000 उसमें मिल रहा है, मतलब 12,000 की कमाई हो गई मेरी। तो थैंक यू जितने भी लोग हमें प्यार करते हैं, वो सपोर्ट दिखाते हैं। तो वैसे मैंने पार्टिसिपेट किया था, मैंने किसी को बताया भी नहीं था, जस्ट हैशटैग लगाए थे उनके और लिखा था, तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। तो उसका भी प्राइज़ आज मेरे को मिलने वाला। बाकी आज हमने शॉर्ट फिल्म कंपटीशन, रील कंपटीशन हमने भी करवाया अपने डिपार्टमेंट की तरफ से, और उसमें बहुत सारी एंट्रीज आई हैं, तो वो जाके जल्दी जल्दी, उसी वजह से मेरे को जल्दी जाना होगा, शोकेस करना, जजेस आएंगे तो उनको रील्स सभी दिखानी है। उनका टॉपिक भी दिया हुआ है, बहुत अच्छा टॉपिक था, और मेंटल हेल्थ के ऊपर शॉर्ट फिल्म बनानी थी, वो देखते हैं बच्चों ने क्या क्या बनाया। 19-20 तो एंट्रीज रात तक मैंने देखी हैं, अभी मैं फिर लैपटॉप देखता हूँ, फिर डाउनलोड करते हैं, और वो काम भी है। बाकी घर का जो काम काज चल रहा है वो तो चल ही रहा है। तो जी, नोबिता को यहाँ भी एक फ्रेंड मिल गया है। ये देखो, वहाँ पे काली ऐसे करती होती है ना। ये देखो, अरे अरे वाह, सेम काली वाली हरकतें, सेम, बस भूरे रंग में है, हरकतें सेम है। निधि पहुंच गई है नहाने, अभी मैंने काम करने जा रहा हूँ, तो प्रभ नहला रही है। बाय बाय रिड्डू, मिस यू सो मच। क्यूटी पाई, हमारी क्यूटी पाई। अब आप खुद सोचिए किस टाइम आदमी एक्सरसाइज करेगा, अब कैसे अपनी रूटीन में वापस जाएगा, कैसे पतला होगा। पहले तो मुंह उठा के दौड़ पड़ता था सड़क पे, चलो जी चलो एक्सरसाइज करें, ये करें वो करें। मैं अभी भी दौड़ पड़ूंगा, मगर मेरे को लगता है अभी एक महीना लगेगा कम से कम चीज़ें ठीक करने में। देखो अभी रिधि को परम नहला रही है, मैं आ गया हूँ थोड़ा सब्जी, दूध, दही, मक्खन, ये सब कुछ लेने। तो अगर ऐसे नहीं करेंगे, सुबह जल्दी उठ के ये काम नहीं निपटाएंगे, तो ऑफिस भी टाइम पे नहीं जा पाएंगे। और आजकल ज़्यादा दिक्कत इसलिए हो रही है कि सुबह 9 बजे का टाइम हो गया है, तो ये लास्ट दिन ही है 9 बजे का, कल की तो मैं छुट्टी लेके फिर और काम काज कर रहा हूँ। और जल्दी आपको एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ भी मिलने वाला है, जो कि आपका बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि ये कब होगा, ये कब होगा, ये तो किया नहीं, ये तो किया नहीं, क्वेश्चन आंसर व्लॉग आएगा। तो आज लास्ट डे है, जिन्होंने भी अपना कमेंट करना है तो जल्दी से जल्दी हमारी पोस्ट के नीचे जो फोटो डाली हुई है यूट्यूब पे, वहाँ पे कमेंट कर दें, तो मैं सबके आंसर देने की कोशिश करूंगा। कोशिश क्या, मैं आंसर दूंगा ही, और तकरीबन मैं सबके क्वेश्चन के आंसर देता ही हूँ। जिंदगी तो हमारी जरा देखिए, ऐतबार आपके वादे पर कर लिया है रिद्धु। वो देखो कलयुगी बच्चा। खुद खुद आदमी दूध पके, हाँ प्रॉपर है, पूरा प्रॉपर ट्रेनिंग करके आई है, आए नए नए कपड़े पहनती है रोज, नए नए कपड़े पहनती है रोज, गलम गलम कपड़े, ठंडी हो गई है ना बाहर। शाबाश मेरा बच्चा, गुड गुड गुड। देखिए मशीन तो आ गई थी आपके सामने कल, नई है, नई नकोर है, ये भी बकेट भी है, और कई कह रहे थे ना क्लीनर ये है हमारे पास ऑलरेडी, ये देखो। मगर ये नानी का लेके आए, मतलब बेबे का लेके आए हुए हैं, अब मैं बेबे को नानी बोलने लग गया हूँ रीति के चक्कर में, वहाँ से लेके आए थे, और ये हमने अपना भी लेना है, जल्दी लेंगे, अभी खर्चा बहुत ज़्यादा हो गया है। और यहाँ पे ये देखिए स्विच, ये स्विच लगाना है हमने। टाइम बाद पहली बार मैंने तोते, रियल तोते देखे हैं, नहीं तो मैंने पिंजरे में ही देखे हैं अभी तक, ये कितने प्यारे लग रहे हैं, यहाँ पे 8-9 उड़ रहे हैं एक साथ, क्या बात है। पर मैं बोल ही रहा था कि ऑफिस के लिए निकल रहे हैं, और पर देखो चाय भी पीती जा रही है, और अखिल पीछे बैठा है, मगर 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 क्या हुआ है कि चप्पल पहन के आ गई है प्रभ।
ऊपर इतना अच्छा सूट पहना हुआ है, नीचे चप्पल पहन रखी है। देखो इतना काम होता है, इतना बर्डन होता है सुबह सुबह, इतना सब कुछ करना, रिधि को नहलाना, अनुजा घुमाना, खाना रेडी करना, रिधि का खाना रेडी करना, कपड़े भी धोए आज, तो कितना ही कुछ हो गया। और इसके चक्कर में नाश्ता भी नहीं बना पाए, नाश्ता हम बाहर ही खाएंगे। अब ये देखो एक बार चेक कर, वो चेक। अभी हम गाड़ी में ना सिर्फ चाय पिलाने आए थे प्रभु को, पर अपने चाय पकड़ी हुई थी, तब तक चाय भी फिनिश हो गई और घर में कप भी रख दिया। नीचे इन्होंने जो सैंडल सुंडल क्या पहना है, ये सैंडल पहना है, वो पहन भी लिया। तो अभी जा रहे हैं जल्दी से तैयारी करके, बड़ा बिजी लाइफ हो गया है हमारा। पर अब जो ये बिजी लाइफ हो गई है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगी, मुझे मजा आ रहा है। इतने बिजी लाइफ में बस एक बार घर सेट हो जाए। ये एक बार कब होएगा? एक बार आपका शायद कल। अगल कैसा लग रहा है बीजी लाइफ यहाँ हमारे साथ? अच्छा नहीं कैसा लग रहा है? है? बहुत अच्छा लग रहा है पापा, अभी शुरू हुआ ना। हाँ नहीं, अभी जब सेटल डाउन हो जाएगा ना सब कुछ, फिर आराम से मतलब कि सुबह सुबह नाश्ता करेंगे, उठ के आराम से सारे काम करेंगे। हाँ अभी ये 9 बजे एक बिल्कुल कंजेस्टेड हो गया ना, हमारे पास टाइम ही नहीं है। रात हमारा 11 बजे टू 11 to 7 ठीक है, 11 to 7 ठीक रहेगा काम, पूरा समय हो जाएगा। तो अभी तो फिलहाल निकलते हैं। रिद्धि देखो मजे ले रही है, पीछे मजे से सो रही है। इतना चैलेंज था, रिद्धि को भी तैयार करना था, रिद्धि ने नहा लिया, सबसे बड़ी बात। सबसे बड़ी बात है टाइम पे उठ गई आज ये, हमने फिर सुलाया नहीं दिया। हाँ नहीं तो सो जाती है, सोने ही नहीं दिया, इसको उठा के नहला ही दिया। चलो चलिए, रिद्धि सीधी आ गई है। और ये दिवाली हम अपनी इस घर में मनाने जा रहे हैं। पहले सुबह सुबह मम्मी का किया स्वागत, मम्मी घर में आए और फिर रिद्धि को बहुत सारा प्यार किया, नुमता को प्यार किया। उसके बाद पापा जी को लेने गया मैं, पापा जी भी घर में आए, उनका भी हमने स्वागत किया घर में। और पापा जी हमारे स्टूडेंट्स से भी मिले, बहुत ज्यादा खुश हुए इतने सारे स्टूडेंट्स को घर में देखकर। तो दोस्तों मैं ना दूसरी जगह बिजी था, वेन्यू में, वहाँ पे शॉर्ट फिल्म का कंपटीशन कर रहा था, वहाँ बिजी था। तो मेरी जगह अवार्ड लेने प्रभ गई, तो इनको 10,000 का ये देखो अवार्ड मिला वहाँ पे। वो पूछ भी रहे हैं भी गिरीश कहाँ पे है, तो आपको मैं एक क्लिप दोबारा दिखा देता हूँ वॉइस ओवर के बिना। 5 लाख व्यूज, 20,000 लाइक्स, एंड उसके बाद मुझे भी याद नहीं है क्योंकि वो अभी तक बढ़ते ही जा रहे हैं। और इसके बाद बढ़ते हैं अपनी अपनी दिवाली पोस्ट कैटेगरी की तरफ, जिसमें थर्ड प्राइज दिया जा रहा है। बीच में टाइम निकाल के रिद्धि को देखने गए थे स्कूल में, तो वो देखिए कैसे आराम से मजे से सो रही है। दिन में ना बहुत टाइम ये अपना सो के बिताती है, तो इतना कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि रात को इसने ना हमें तंग करना होता है। प्रॉब्लम हमें होता है। तो दोस्तों रिद्धि की छुट्टी हो गई है और मेरे साथ जा रही है। इतनी शांत, इतनी प्यारी बेटी मेरी, नज़र ना लगे, मेरी ना लग जाए नज़र, इतना खुश रहती है ना यार। वो भी ऐसे ऐसे प्यार से कहेंगे रिद्धि को लाना, रिद्धि आराम से बैठी है, बच्चे नाच रहे हैं, इधर उधर उछल रहे हैं, आराम से बैठी है, देख रही है उनको, स्माइल कर रही है, हैं एक्टर है ना सर। अरे मेरा बच्चा, लव यू, सबको हेलो बोल दो, सब आपको बहुत प्यार करते हैं। आज मैं बहुत ज़्यादा बिजी था और प्रभ आज जजमेंट में बिजी है, उनकी ड्यूटी वहाँ पर है, तो अभी मैं रिद्धि को लेने आया हूँ। और अभी भी देखो प्रभ भी आ गई है और प्रभ लगी हुई है अब चावल खिलाने। मंकी आज इसने कैरेट भी खाया, आज इसने कैरेट की प्योरी भी खाई है, और घर में पम्पकिन भी आया हुआ है। यू माय पम्पकिन, पम्पकिन यू माय हनी बनी। दी खेलने लगी हुई है और यहाँ प्रभ लगी हुई है काम काज में। तो घर आके देखो प्रभ ने क्या कुछ बना दिया, यहाँ पे बनाया है पार्लर। यहाँ पे बना है पालक पनीर और बहुत ज्यादा टेस्टी है, क्योंकि मैं अभी टेस्ट कर चुका हूँ और मेरी सब चम्मच है जो बहुत ज्यादा साफ हो चुकी है, आपको पता लग गया होगा। ये ऐसी लग रही है जैसे नवी नकोर चम्मच होती है, मगर मैं इसमें से पालक निकाल के खा चुका हूँ। और इधर रखे जा रहे हैं चावल और इधर बनाई जा रही है साथ साथ दाल। तो ये दाल कौन सी है? ये अरहर की। अच्छा अरहर की दाल है ये, तो अभी इसको तड़का तुड़का लगना है कि लग गया? लग गया, सब लग गया।
अच्छा चलो ठीक है। तो प्रभु इसके लिए प्याज और इन चीजों के लिए भी हमें लेके आना था स्टैंड। मैंने ना वो देख रखा है यार मीशो पे, पसंद okay. कर रखा है तो हाँ। अभी थोड़ा इस महीने मैंने ट्रे वगैरह खरीद ली, नेक्स्ट मंथ वो खरीदूंगी। मैंने पनीर खाया है। अच्छा मैं नहीं खाऊं, थोड़ा सा बचा लिया था, नोबिता के लिए भी बचा लेना था यार। तो दोस्तों ये देखिए प्रभु ने खाना बनाया है, तो अखिल भाई साहब भी हमारे साथ ही रह रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये फ्री फंड में हमारे गले में पड़ गए, ऐसा नहीं है। कई लोग कमेंट करेंगे भाई ये क्यों रहने लग गया साथ में, क्या हो गया। ये हमारी हेल्प भी करेंगे, मतलब कि चीजों में कैसे, मतलब कि हमें किराया देके एक तरह का हमने अपना एक रूम रेंट पे दिया है। ये वहां भी वैसे रेंट पे रह ही रहे थे, तो कहा कि हमारे साथ ही रुक जाओ, तो इनको भी कम्फर्टेबल है हमारे साथ, हम भी इनके साथ कम्फर्टेबल है। तो इस तरह का रीजन है, कोई वैसा नहीं है कि ये फ्री फंड में हमारे पास रह रहा है या हम इससे काम करवाने के लिए इसको साथ में ले आए, ऐसा कुछ नहीं है। कमेंट्स ऐसे ही आने वाले हैं, वैसे कमेंट्स आने ही वाले हैं ऐसे, इसलिए पहले ही बता दो। अखिल शर्मा रहा था वीडियो में, बिल्कुल कम्फर्टेबल है ना, कोई ऐसा तो नहीं कि कुछ फिर घर में देखते हैं लोग, उनको पता है कुछ नहीं, घर में नहीं मेरे दोस्त लोग देखते हैं। अच्छा अच्छा देखते हैं, चलो ठीक है फिर तो ठीक है। कौन कौन देखता है दोस्तों का नाम ले ले, उनको ना भी देखता है, मतलब आपको पता है जो स्टूडेंट तो देखते ही हैं, स्टूडेंट्स कॉमन फ्रेंड्स भी देखते हैं। अच्छा 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 राजेश हेमंत सर, हेमंत। अच्छा 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 तो घबरा सा क्यों गया, आवाज तेरी बदल गई है। मैडम ये बताओ, नहीं बहुत अच्छा बन गया। और ना पालक पनीर अखिल को बहुत स्वाद है लगता है, पर टेस्ट मतलब की पसंद है। तो बता क्या, थोड़ा मिर्ची कम है? नहीं मिर्ची नहीं, मेरे को लग रहा है थोड़ा सॉल्ट कम है, मैं दे देती हूँ। मैं कम खाता हूँ ना, ये कम खाते इसलिए मैं कम ही डालती हूँ, मैं भी तेज खाती हूँ। ये देखो प्रभु ने मिर्ची भी बनाई है। अच्छा ये देखो, वाह प्रभु वाह, शागी प्रभु ये सल्यूट है आपको, सल्यूट साथ में दाल भी, सल्यूट वाह वाह, थैंक यू सो मच प्रभु, थैंक यू सो मच। आप जियो हजारों साल, हजार साल मुझे नहीं जीना है, वो तो कोई भी नहीं जी सकता। दोस्तों रात हो गई है और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि सब कुछ ठीक ठीक लग रहा है, और आप भी बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स कर रहे हो, आपको भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, आपके क्वेश्चन भी आ रहे थे, क्वेश्चन आंसर ब्लॉग भी आप मैंने बना रहा था, मगर मैं बना नहीं पा रहा हूँ, टाइम नहीं मिल रहा है, आप देख ही रहे हो कितना कुछ हो रहा है ना। तो उसमें मैंने बताना था, मगर मैं चलो आपको पहले ही बता रहा हूँ जो क्वेश्चन आ रहे थे। क्वेश्चन आंसर ब्लॉग के जो अलग क्वेश्चन रहेंगे उसका आंसर मैं बाद में करूँगा। कि आप लोग पूछ रहे थे कि गृह प्रवेश क्यों नहीं किया हमने, है ना, वो इसलिए नहीं किया कि आपको पता ही है सब कुछ बिजी था, और हमने बहुत अंदर से ऐसा था कि दिवाली मनानी है अपने घर में, उसके चक्कर में बड़ी जल्दी 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 हमने शिफ्ट कर लिया, और उसी समय हमारी रजिस्ट्री हुई है ना, अगर रजिस्ट्री पहले हो जाती लोन लेट पास हुआ, तो जो भी ये चीज़ें हैं ये मैं आपको क्वेश्चन आंसर वाले ब्लॉग में बताऊँगा, लोन कितने का लिया मैंने, और एक ब्लॉग बनाऊँगा कि मैंने कौन सी चीज़ कितने की ली और कैसे ली, ये भी पूछा जा रहा है बहुत ज़्यादा, परचेज कितने का किया। तो जो हवन वाला क्वेश्चन है उसका मैं आंसर अभी दे रहा हूँ, वो हम करने जा रहे हैं और वो हो जाएगा, हवन हम कर रहे हैं, मम्मी पापा आने वाले हैं तो उसी की तैयारियों में हम लगे हुए हैं। तो कल का दिन हम सब कुछ ये रेडी करेंगे, छुट्टी लेकर, कल की छुट्टी ले रखी है और सारा कामकाज ये करेंगे, तो फिर हवन की तैयारी करेंगे, फिर मम्मी पापा आएंगे, तो देखते हैं कौन कौन आएगा, ये आपके लिए सरप्राइज ही रहेगा। मम्मी पापा तो हैं ही, और हम और भी उम्मीदें लगा रहे हैं कि कुछ अच्छा ही हो, फैमिली आए, बड़े भैया भाभी तो आ ही नहीं सकते, वो तो पौंडीचेरी हैं आपको पता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे ब्लॉग्स बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे होंगे, और ये वीडियो ये ब्लॉग यहीं तक का था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, खुश रहिए, आबाद रहिए।